जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि न्यूज़पेपर किस प्रकार पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि द हिंदू के बारे में था। द हिंदू जो है न्यूज़पेपर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि द हिंदू आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, वरना आप मैगज़ीन और अदर न्यूज़पेपर कोई भी हो, ठीक है, तो मेरे चैनल पर तो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं तो उन्हीं को लेकर मैं बात करता हूँ। तो हिंदी मीडियम के लोग न्यूज़पेपर को किस प्रकार रीड करना चाहिए, और इसको आपको केवल रीड ही नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो देखिए, पहला जो पेज होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, तो उस न्यूज़पेपर पर पूरी निगाह आप डाला करिए, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाली है। मान लीजिए कोई भी राजनीतिक खबर हो गई, मान लीजिए मोदी जी ने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया मान लीजिए, या फिर विपक्ष के नेताओं ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अपने मन में एनालिसिस कीजिएगा, ऐसी न्यूज़ पर लोगों से बहस मत कीजिएगा जो भी राजनीतिक न्यूज आती है, क्योंकि उसमें सब टाइम वेस्ट जाएगा आपका और कुछ भी मिलेगा नहीं। और मन में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं स्टडी के प्रति फोकस नहीं रहता है ना, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहले पेज आपको पूरा का पूरा रीड करना ही होगा, ये मान के चलिए। फिर आपको क्या करना है, क्षेत्रीय खबरें छोड़ देनी है पूरी तरह से, और संपादकीय पेज जो होता है दूसरा वो आपको पढ़ना ही होगा। संपादकीय पेज आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा, जिसमें दो संपादकीय आते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हो उसमें दो संपादकीय जो आते हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं, कुछ चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, कुछ आर्थिक सलाहकार हों या कोई भी हो, उनके बहुत सारे डेली अप टू डेट आते रहते हैं, ठीक है। आप उसे यूपीएससी के लिए ये सही है या गलत है उसे लेकर मत पढ़िएगा, आप केवल देखिएगा कि उसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कुछ भी हो आए उसमें, ठीक है। और जैसा कि दैनिक जागरण हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, तो साइड में जो एक आता है धर्म से रिलेटेड चीज़ें, वो भी आप पढ़ लीजिए उसे। क्यों पढ़िए, क्योंकि वो आपके फोर्थ पेपर में काम आएगा, आपका जो एथिक्स है उसको कहीं ना कहीं एक स्तर ऊँचा कर देगा। और जो एक कोट आता है ऊपर की साइड में, उसे ज़रूर पढ़िए, और उस पर 10-20 शब्दों में, 50 शब्दों में अगर लिखना चाहते हो तो लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि निबंध में वो आपके काम आने वाला है, क्योंकि निबंध में ऐसे ही कोट दे देते हैं और पूरा का पूरा निबंध आपको लिखना होता है ना, तो वो आप करिएगा। और साइड में कुछ न्यूज़ आती हैं, और चाहो तो लोग जो देते हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग न्यूज़पेपर में आप भी देते होंगे, आपका भी कभी ना कभी छपा होगा कुछ ना कुछ, तो उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आम जनता की राय होती है ना। आम जनता की राय क्या है, एक तो हो गया न्यूज़पेपर संपादकीय जो न्यूज़ चल रही हैं, न्यूज़ किन की होती हैं, राजाओं की होती हैं, कहने का मतलब ये है कि जो शासन चला रहे हैं उनकी होती हैं कहीं ना कहीं न्यूज़, लेकिन आम जनता उसके बारे में क्या सोच रही है, आप भी आम जनता हैं, हम भी आम जनता हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन और जो लोग हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए उनका व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है थोड़ा सा, लेकिन उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। और इस पर सरकार की राय क्या है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सरकार की राय के खिलाफ बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर नहीं जाना है। फिर आप देखिएगा, नेक्स्ट जो पेज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय पेज। राष्ट्रीय पेज में जितनी भी न्यूज़ हैं वो चाहें तो आप अच्छे ढंग से उन्हें कवर करिए, कम से कम पढ़िए। कुछ एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी न्यूज़ पेपर में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पढ़नी आपको राष्ट्रीय पेज का पूरा है, ठीक है। और कुछ इररिलीवेंट सी होती हैं वो आप सब समझदार हैं, उनको छोड़ सकते हो। और आर्थिक पेज आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा कि यार ये पता नहीं कैसी न्यूज़ है, लेकिन उसे पढ़ लीजिए, चाहे वो होंडा से रिलेटेड आ जाए, किसी से भी रिलेटेड आ जाए, आपको क्या करना है कहीं ना कहीं उसमें पढ़ना होगा, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में भी आपका जो है पाला पड़ता है, यूपीएससी के जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि क्या उतार चढ़ाव चल रहा है उससे रिलेटेड, क्या कंपनियां शेयर, ये सब मतलब जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करोगे उसमें, तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पेज आपको जो पढ़ना है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो भी न्यूज़ हो वो आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इस प्रकार से चार पाँच जो पेज हैं वो आपको ढंग से पढ़ लेने हैं। अब इनमें से कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए आपको क्या करने लेना है। जैसे मान लीजिए आज न्यूज़पेपर आ रहा है, तो आपको शाम को, मतलब कल की शाम को सारी न्यूज़ें पता पड़ जाएंगी। उसके लिए आप राज्यसभा चैनल देख सकते हो। राज्यसभा में आप एक विशेष आता है वो देख सकते हो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। यदि वो न्यूज़पेपर में आ जा रहा है तो वो आपको ढंग से कवर कर लेना है। और राज्यसभा में जो भी टॉपिक आ रहा है उसे चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, एक न्यूज़ आता है देश देशांतर, इसी पर राज्यसभा पर वो देखना। उस पर एक टॉपिक रहता है, उस पर डिस्कशन होता है जो पैनल में बैठते हैं बहुत सारे लोगों का, तो उनसे आपको पता पड़ जाएगी कि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर से अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है, ठीक है। ये पहले ही शाम को पता पड़ जाएगा आपको। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है AIN न्यूज़ यदि आप सुनते हो तो AIN न्यूज़ सुनिए, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में। और उसमें ये देखिए कि AIN न्यूज़ जो है उसमें कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ ऐसी हो जो UPSC के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप धीरे धीरे डिसाइड करना सीख जाएंगे, ठीक है, तो उसको पढ़िए। और उससे रिलेटेड यदि न्यूज़पेपर में आ जाए तो उसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। लगभग दिन भर की लगभग 4 से 5 खबरें ऐसी होती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है सिविल सर्विसेज की दृष्टि से। तो इस प्रकार से आप उन चारों पांचों खबरों को अच्छे ढंग से, उसका प्री के लिए फैक्ट निकालना, मेंस के लिए किस प्रकार से लिखना, वो चीज़ आप एक दिन भर में कर सकते हो, लगभग 2 ढाई घंटे के अंदर, है ना। बाकी का आप मैगजीन पढ़ते ही हो करंट के लिए, तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, देखिए न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हो जाती हैं, आप कुछ कवर नहीं कर पाओगे। बस आप उन्हें पढ़िए, दिमाग में रखिए, बार बार चीज़ें आ जाएंगे अपने आप ही। एक बार न्यूज़ पढ़ोगे, एक बार मैगजीन पढ़ोगे, फिर एक बार पूरे साल का करंट पढ़ोगे, तो 3 बार में लगभग रिवाइज हो जाता है सारी चीज़ें। तो उन्हें ध्यान में रखिएगा, जो न्यूज़ बार बार चल रही है, इम्पोर्टेंट है, उसे और ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हो, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था, जो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं, कुछ चीज़ें जो बतानी थी, आप मोटिवेट होते रहिए बिल्कुल पूरी तरह से। और न्यूज़पेपर मत छोड़िएगा किसी भी हालात में, कोई भी आपसे कहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज पढ़ोगे और जॉब लगने के बाद भी आपको पढ़ना होगा। तो क्यों ना अभी से उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।